ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की प्रॉब्लम्स की ट्रिक, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि ये चार स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OCH3, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया और यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस और माइनस साथ साथ रखा, ठीक है ना? ऐसे करके चार स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द एबव इज लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना? जरा देखते हैं, आप देखें पहली स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रल है, राइट? इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसा बनाया है जिसमें इसको ऐसे कराए, ऐसे ये देख रहे, तो ये हो जाएगा CH2+ और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये हो गया O+, राइट? फिर इन्होंने दूसरी स्ट्रक्चर कैसी बनाई है, दूसरी स्ट्रक्चर ये तो हो गई फर्स्ट स्ट्रक्चर, राइट? ये हो गई सेकंड स्ट्रक्चर, और थर्ड स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया है, इस बॉन्ड को इधर की ओर ब्रेक किया है। तो एक स्ट्रक्चर जो थर्ड स्ट्रक्चर इन्होंने इसकी बनाई है वो है ऐसे, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस और OCH3, दिस इज द थर्ड वन। और फोर्थ स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है जिसमें इसी बॉन्ड को इस बार उल्टा ब्रेक किया है इधर की ओर, एक फोर्थ स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई है इसमें, जिसमें इन्होंने क्या किया है CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर प्लस बनाया, इधर माइनस बनाया और OCH3 बनाया। ये कुल चार स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये जो पहली स्ट्रक्चर है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है और सभी एटम्स ये ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट हम हमेशा हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एटम्स होते हैं उनका देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम ड्यूप्लेट देखते हैं, ठीक है? तो सभी ऑक्टेट कंप्लीट हैं और स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल है, तो ये सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। यहां पर सेकंड स्ट्रक्चर में देखें, यहां पर जरूरी है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, तो ये थोड़ी कम स्टेबल है। लेकिन ये स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ ये स्पेशली अनस्टेबल है। दिस स्ट्रक्चर्स आर स्पेशली अनस्टेबल बिकॉज यू नो एडजेसेंट कार्बन्स आर हैविंग अनलाइक चार्जेस। एडजेसेंट कार्बन्स पर लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, ऐसी स्ट्रक्चर हमेशा बहुत हाईली अनस्टेबल होती है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत हाईली अनस्टेबल है और उनमें भी ये वाली स्ट्रक्चर खासतौर पर, ये वाली स्ट्रक्चर खासतौर पर ऐसी है जिसमें लोन पेयर रिपल्शन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये एडजेसेंट है, ठीक है ना? तो एक तो एडजेसेंट कार्बन्स पे चार्जेस स्ट्रक्चर को हाईली अनस्टेबल बनाते हैं, ऊपर से फोर्थ में ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ये इसको इन सभी चारों स्ट्रक्चर्स में से लीस्ट स्टेबल बनाता है, ठीक है ना? तो फोर्थ स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो हमारा ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है भाई? नोट करें। जीओसी के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में अगला क्वेश्चन है कि रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ इंडिकेटेड हाइड्रोजन। आप देखें यहां पर इन्होंने इस हाइड्रोजन को इंडिकेट किया हुआ है, इस हाइड्रोजन को इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है ना? यहां पर इन्होंने इस हाइड्रोजन को इंडिकेट किया हुआ है और यहां पर इन्होंने इस हाइड्रोजन को इंडिकेट किया हुआ है। अब ये कहते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजनों की एसिडिटी का ऑर्डर बता दें आप, ठीक है ना? तीनों हाइड्रोजनों की एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, तो जरा देखो, पहला कंपाउंड है CH3CO CH2 CH2 CO CH3, दूसरा कंपाउंड है CH3CO
CH2, 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 CO, CH3 और आखिरी कंपाउंड है CH3, CO, CH2, CO, CH3। आप देखें इस CH2 ग्रुप के दोनों ओर माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम ग्रुप लगा हुआ, यानी कि अगर ये CH2 एक H प्लस निकाल के बाहर दे दे तो जो बचा हुआ कार्बेनायन होगा उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है इस कार्बेनायन को। यहां से इस CH2 से अगर एक H प्लस बाहर निकल के चला आए तो जो कार्बेनायन बनेगा वो ऐसा होगा और उसको एक ओर से माइनस एम की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने इसको इंडिकेट किया हुआ है, अगर इसमें से एक H प्लस निकल के चला आए तो CH3, CO, CH2 और ये कार्बेनायन बन जाएगा एक, राइट। आप देखें जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन होगा उसका ही H प्लस सबसे आसानी से निकलेगा। इसमें इन ग्रुप्स का सिर्फ -I और -I स्टेबिलिटी काम कर रहा है, वो भी दूर से, ठीक है ना। तो इन सब में, इन तीनों कार्बेनायंस में, अगर मैं यहाँ इसको स्क्वायर करूँ तो इन तीनों कार्बेनायंस में सर्वाधिक स्टेबल कार्बेनायन है ये वाला, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को दोनों ओर से माइनस एम ग्रुप की स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला कार्बेनायन है, थर्ड वाला। इसके बाद ये वाला है जिसमें एक तरफ से कम माइनस एम की स्टेबिलिटी मिल ही रही है और माइनस आई की स्टेबिलिटी दूसरी ओर से मिल रही है, और सबसे कम स्टेबल है ये कार्बेनायन जो सेकंड वाला है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक स्टेबल हाइड्रोजन होगा स्ट्रक्चर 3 में, फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल होगा स्ट्रक्चर 1 में, और फिर सबसे कम स्टेबल होगा सेकेंड में। तो 3, 1, 2 इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आप नोट करें, जीओसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में अगला क्वेश्चन है कि ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, ये फॉर्मिक एसिड है, ये उसकी और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। पूछा गया है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। पहली स्ट्रक्चर है फॉर्मिक एसिड की न्यूट्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरी स्ट्रक्चर है जिसमें ये बॉन्ड टूट जाता है, ओ माइनस और यहां पर प्लस। और तीसरी स्ट्रक्चर है जब ये बॉन्ड तो टूटता है लेकिन ये ऐसे आता है, यहां डबल बॉन्ड बनाकर प्लस चार्ज, ठीक है ना। ये तीसरी स्ट्रक्चर चेक करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल एंड ईच एटम इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, ऑफकोर्स हाइड्रोजन विल हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट, ठीक है ना। ये एटम, ये जो मॉलिक्यूल है ये चार्ज्ड है और इसमें ये जो कार्बन है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये भी चार्ज्ड है लेकिन इसमें कंप्लीट ऑक्टेट है। आप देखें ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजनों पर तो ड्यूप्लेट होता है। तो इस तरह से ये भी एक कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, हालांकि ये चार्ज्ड है, कंप्लीट ऑक्टेट वाली ये स्ट्रक्चर है। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगी कंप्लीट वाली और सबसे कम स्टेबल होगी इनकम्प्लीट वाली। कंप्लीट वाली हमारे पास दो है, इनमें से जो न्यूट्रल है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, फिर जो चार्ज्ड है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी होगी, और फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है।